देखिए जीएसटी में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या जो जीएसटी में 5,000 रूपये से ज्यादा के खर्चे हैं उस पर रिवर्स चार्ज हर केस में लगना है, जैसे कि अगर कोई फ्रेट दिया जा रहा है तो क्या वह 5,000 रूपये की लिमिट पर डे की कैलकुलेट करने के लिए उसको भी लेना है कि नहीं लेना है। इसके लिए हमें जीएसटी के लिए सबसे पहले समझना यह होगा कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज कब कब देना है, कब कब नहीं देना है। दो सेक्शन है, बिल्कुल सिंपल दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है 9(3), ये नोटिफाइड सर्विसेज है, इसमें जीएसटी की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि चाहे वो टैक्सेबल सप्लायर हो चाहे वो एग्जाम सप्लायर हो, अगर वो इनमें से कोई खर्चा कर रहा है तो सेक्शन 9(3) में उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना ही करना है। ये तो सिंपल है, जैसे कि जीटीए हुआ, जैसे कि रॉयल्टी हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द सप्लायर। अब आते हैं 9(4) पर, जो जनरल सेक्शन है जो सभी के ऊपर लगता है। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन की बात करता है कि जब कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को कोई सप्लाई करता है उस केस में सभी तरह के खर्चों पे एक्सेप्ट वो सारे खर्चे 9(3) में पहले से ही कवर हो गए, उनके अलावा सारे खर्चे जो बचे उनकी एक टोटल करनी है। टोटल करने के बाद पूरे दिन में अगर वो लिमिट 5,000 रूपये से ज्यादा क्रॉस होती है, ये लिमिट पर डे है, ये स्पेशल ध्यान रखने की बात है, इसमें देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन कि पर डे वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जिस दिन में 5,000 से ऊपर गई केवल उन दिनों में टोटल वैल्यू पर हमें रिवर्स चार्ज रेट वाइज कैलकुलेट करके जमा करना है। दैट इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, द डेज ऑन विच द एक्सपेंडिचर लिमिट इज लेस देन 5,000 वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी हैव टू पे ओनली ऑन अंडर सेक्शन 9(4) इन 9(4). सो द फाइनल आंसर ऑफ द ओरिजिनल क्वेरी इज कि जब हम 5,000 की लिमिट को देखेंगे उस समय हमें जीटीए को जो पेमेंट किया या रॉयल्टी को जो पेमेंट किया उन पेमेंट्स को बिल्कुल अलग रखना है, उनको बिल्कुल सेपरेटली डील करना है। जो अदर एक्सपेंडिचर बचे उनको डे वाइज 5,000 रूपये पर डे देखना है, अगर वो 5,000 से ज्यादा है तभी हमें रिवर्स चार्ज करना है, अदरवाइज नहीं।